तो अब तुम्हें मुझसे नफरत हो गई है क्योंकि तुम्हें मेरे बड़े भाई अशोक से प्यार हो गया है ना। तुम्हारे मुंह से निकला एक एक लफ्ज ये साबित करता है कि दुनिया तुम्हारे बारे में जो भी सोचती है बिल्कुल ठीक है। कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुमसे प्यार नहीं करता, क्योंकि तुम प्यार के काबिल हो ही नहीं। ये तो मेरी बेवकूफी थी जो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सहारा दे पाऊंगी, तुम्हारा दुख दर्द तुम्हारे साथ बांटूंगी, लेकिन अजय तुम इसके काबिल हो ही नहीं। मैं इसके काबिल था जानी, लेकिन मेरे बड़े भाई अशोक से मिलने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि वाइस सर्जन तुम्हारे लिए बेटर है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए भले कुछ कर पाए या ना कर पाए लेकिन तुम्हें घर बैठाकर दुआ की रोटी खिला सकता है, तुम्हें रेस्टोरेंट में जाके नौकरी नहीं करनी पड़ती, तुम्हें लोग इज्जत की नजर से देखते जानी, है ना। अजय तुम जो भी कह रहे हो बिल्कुल बकवास है। हाँ अशोक एक नेक इंसान है, लेकिन मैं उसे शादी नहीं करना चाहती। हाँ तुम उसे शादी क्यों करना चाहोगी, कल तक मैं था एक बेकार इंसान, फिर तुम्हें वो बंगले वाला अशोक मिल गया, हो सकता कल को तुम्हें तीसरा महल वाला मिल जाए। अगर मुझे पता होता कि तुम इस किस्म की लड़की हो जानी, तो ना तो मैं तुमसे कोई रिलेशन रखता और ना ही तुमसे दोस्ती रखता। तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो कि तुम दो भाइयों के साथ टू टाइमिंग कर रही थी जानी। थोड़ी देर पहले तक तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अजय पहली बार तुमने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है कि तुमने खुद ही कह दिया कि तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मैं भी यही चाहती। आज के बाद मैं समझूंगी कि तुम मेरे लिए मर गए। मैं तो पहले ही मर चुका था जेनी, मैं एक जिंदा लाश था, लेकिन मुझे अब पता लगा कि कुछ लोग इतने बेरहम भी होते हैं जो एक लाश को दुख देते हैं उसमें जुल्म करते हैं। अब तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम एक दूसरे से जुदा रहो। आप भी तो यही चाहते थे ना अंकल। हाँ, मैं भी यही चाहता था, क्योंकि मुझको मालूम था कि एक न एक दिन यही होगा, लेकिन आज के बाद जो होगा वो मैं नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि आज के बाद जो होगा वो ज्यादा भयानक होगा। ठीक अंकल, मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा। क्या जो कुछ भी वो ठीक नहीं हुआ, मैं मानता हूं कि गलती मेरी थी, मुझे जेनी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। नहीं अजय नहीं, जेनी पर हाथ उठाने से भी तुमने एक बहुत बड़ी गलती की। जब तुमने उसको वहां जमीन पर पड़ी हुई देखा, उस वक्त तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। तुमने ये नहीं सोचा उसको कितनी चोट आई है, कि वो खुद घर तक पहुंच पाएगी कि नहीं, कि उसको डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं, ये तुमने नहीं सोचा ना। अंकल उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था अंकल। तुम गुस्से में कब नहीं होते अजय, और मेरी बेटी भी कम गुस्से वाली नहीं है, इसीलिए तो वो मुझसे प्यार करती है। तुमसे प्यार करती है वो, उसने मुझको सब कुछ बता दिया। हाँ पहले तुम्हारे साथ थोड़ी सी हमदर्दी तो थी, लेकिन अब वो सिर्फ तुमसे नफरत करती है, नफरत। अंकल शहदाद ने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी नहीं। जेनी मुझसे प्यार करती थी, मुझसे प्यार करती है और मुझसे प्यार करती रहेगी। आप प्लीज हम दोनों के बीच में मत आइएगा। मेरी बेटी की भलाई के लिए जो कुछ मैं कर पाऊंगा वो मैं जरूर करूंगा। तो उसका मतलब यह है कि आप मुझे और जेनी को दूर रखेंगे, है ना? यही समझ लो। अंकल मैं भी आपको एक बात बता देता हूं कि जेनी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही होकर रहेगी।
हेलो डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। जस्ट सी, आज मेरी जेनी के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट फ्रॉम पापा। थैंक यू। अरे वाह, अब तुम ये ले लो सबसे पहले गरम 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 चाय, ये लो। थैंक्स जेनी। मैं रात को काफी देर तक अजय के बारे में सोचता रहा। पापा, वो इस काबिल बिल्कुल नहीं कि आप अपनी जिंदगी का एक पल भी उस पर जाया करें। अच्छा, तुम भी तो उसी के बारे में सोच रही थी। मैं अपने बारे में सोच रही थी। मैं खुद भी तो कुछ नहीं, फिर मैंने ये कैसे सोच लिया कि मैं अजय के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊंगी, उसके दुख को दूर कर सकूंगी। शायद तुमको ये नहीं मालूम कि तुम उसको बहुत चाहती हो। पापा, मैं शायद आपको या दूसरों को कभी ये समझा ना सकूं, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है। आई डोंट लव हिम जैसा कि आप या दूसरे सोचते हैं। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। जेनी, एक लड़की और एक लड़के की दोस्ती का क्या मतलब होता है? तुम उस रिश्ते को कोई भी नाम दो, आखिर में वो बात शादी तक पहुंच ही जाती है। पापा, आप जो कह रहे हैं वो शायद दूसरों के साथ होता होगा, लेकिन मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं किसी प्रॉब्लम वाले इंसान के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तो अशोक कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है? पापा, मैंने आपसे ये कब कहा कि अगर मैं अजय से नहीं तो अशोक से शादी करूंगी? आप अपने दिमाग से मेरी शादी की बात बिल्कुल निकाल दीजिए। इस वक्त मेरे दिल में ऐसी कोई बात किसी के लिए भी नहीं है, और आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको इतना जरूर बता दूंगी कि जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करती हूँ उसकी मालिक की बेटी और अशोक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दे वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। अब मैं तुमको भी एक बात बताता हूँ, अजय तुमको बहुत चाहता है। हाँ, जब उसने ये कहा कि वो तुमको हासिल करके रहेगा तो उसकी टोन बहुत थ्रेटनिंग था। पापा, प्यार जीता नहीं जा सकता, बस हो जाता है। लेकिन जेनी, कभी कभी औरत को अच्छा लगता है कि कोई उसको हासिल करे, कोई उसको जीते। अरे, इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पुणे। ओ, तुमने मुझे पहले नहीं बताया? पहले पता होता तब ना। I don't know, ये लोग कभी भी फोन कर लेते हैं। एक्चुअली जाना था कल, लेकिन कोई इमरजेंसी हो गई तो आज बुला दिया। शुगर कितनी? दो। वैसे तुम सो रही थी जब उनका फोन आया। डोंट ग्रम्बल आनंद, हो सकता है उनकी कोई परेशानी हुई होगी, तुम्हें तंग करने के लिए तो नहीं बुलाएंगे। वैसे बिजनेस में ऐसा ही होता है। अच्छा, आज क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कहो तो साथ चलो। नहीं, आज नहीं, शायद दो दिन लग जाएंगे, ऐसा वो लोग कह रहे थे। वैसे तुम फ्री हो तो शारदा से मिला ना? नहीं, दरअसल रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, तो मैं सोच रही हूँ तुम्हारे जाने के बाद मैं
बाय डार्लिंग। बैक करके पीछे खड़े कर दो, किसी का पीछा। क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। चलो क्यों गए? पीछा करो ना। साहब सिग्नल है, मैं क्या करूं? अब तो चलो, सिग्नल शुरू हो गया, चलो चलो। देखा, चली गई ना। हाँ गई वो, कहा है तुम्ही पण? चलो रुको, यहां साइड पे रोक दो। हेलो शकुंतला, आनंद बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? पनवेल के आसपास पहुंच गया हूँ, सोचा आखिरी बार बाय कह दूं। इतनी जल्दी पनवेल पहुंच गए? अब ट्रैफिक बिल्कुल था नहीं ना। मैंने तुम्हें जगाया तो नहीं? नहीं, मैं तो सोई ही हूँ। अच्छा तो फिर क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही हो? नहीं, मैं घर पर ही नहीं हूँ। तो फिर कहाँ पर हो? फ्रेंड के यहाँ पर। अच्छा आनंद, तुम पूना पहुंचकर मुझे फोन करना, तब तक मैं भी घर पहुंच जाऊंगी। ओके मुझे घर में फोन करने की। तुम अच्छी तरह जानते हो अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये मत भूलो शकुंतला कि तुम्हारी और मेरी आजादी ऐसे जुड़ी हुई है कि सिर्फ हमारी बर्बादी उसे लग सकती है। हम दोनों एक
ऐसी हथकड़ी में जकड़े हुए हैं कि अगर हम चैन से जीना चाहते हैं तो इस हथकड़ी को तोड़ नहीं सकते। देखो तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी जल्दी साफ साफ लफ्जों में मेरे पास ये हथकड़ी वगैरह सुनने का वक्त नहीं है। अगर यहाँ आई हो तो वक्त निकाल के आना चाहिए। मुझे तुमसे क्या करना? क्या इंटरेस्ट है तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर आती? अगर मुझ में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं तो फिर आई क्यों? आना ही नहीं चाहिए। अब मैं आ ही गई हूं तो प्लीज बताओ मुझे यहां क्यों? पहली बात तो ये है कि तुम यहां गलती से नहीं सोच समझ कर आई हो। शायद अपने पति से छुप गए या फिर झूठ बोल गए। हाँ मैं यहां झूठ बोलकर ही आई हूं। अब बताओ क्या काम है? मैं सिंगापुर से भाग कर आया। तुम पैसों के पीछे भागते रहे और पुलिस तुम्हारे पीछे। ये चूहे बिल्ली का खेल तो बहुत दिनों से चला रहा है। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ पवन? वैसे ही जैसे एक बार मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हारे पुराने प्रेमी विनायक को तबाह कर लिया। वो तबाह हो गया और घर छोड़कर चला गया। तुम यही चाहती थी ना? मैं यही चाहती थी। विनायक को तबाह करने में तुमने मेरी मदद की, उसे घर से बेघर किया। लेकिन ये मत भूलो विनायक के नुकसान से फायदा किसे हुआ? हॉलिडे रिसॉर्ट में लाखों की इन्वेस्टमेंट हुई, पैसा किसके पास गया? तुम्हारे पास। एक कंपनी में मामूली सी नौकरी करने वाला आदमी बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तुमने मेरी मदद की, मैं एहसान मानती हूं। लेकिन ये मत भूलो इसमें तुम्हारा कितना फायदा हुआ। इसमें तुम्हारा भी कोई कम फायदा नहीं हुआ शक्ति। वो मेरे लिए बदले की भावना थी। किसी ने मेरा दिल तोड़ा था। बदले में मैं उसका घर उजाड़ देना चाहती थी। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया बस वही मेरा फायदा था। उस खेल से तुम्हें इतना फायदा हुआ शकुंतला जिसकी तुम्हें कोई उम्मीद भी नहीं थी। इतना फायदा जो करोड़ों खर्च करके भी नहीं मिल सकता। तुम किस फायदे की बात कर रहे हो? मैं विनायक की बात कर रहा हूं जिसे तुमने मड आइलैंड के एक घर में छुपा कर रखा।